अस्सलाम व्यूअर्स, मैं रोशन तारिक और यहाँ मैं आपको बताऊंगी कि सऊदी अरब ने कौन सी गैर मुल्कियों के लिए नई शराइत आयद की है। लेकिन इससे पहले अगर आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको डेली बेसिस पर ये वीडियोस मिलती रहें। गैर मुल्की वर्कर्स की इज्तिमाही जो रिहाइश है उसके लिए 4 शराइत आयद की हैं। जी हाँ, सऊदी वजारत बल्दियात और देही आबादकारी अमूर ने वर्कर्स की इज्तिमाही जो रिहाइश गाह हैं वहाँ पर छापा मार मुहिम शुरू की हुई है और मुकर्रा जो SOPs की खिलाफ वर्जी हो रही है उसके पे वो लोगों को जो है वो गिरफ्तार भी कर रहे हैं, फ़ाइन भी कर रहे हैं। पहली पाबंदी ये है कि इज्तिमाही रिहाइश में हर 5 अफराद के लिए कम अज़ कम एक टॉयलेट ज़रूर होना चाहिए। बेडरूम में एक बिस्तर दूसरे बिस्तर के दरमियान कम से कम 4 मीटर का फासला होना चाहिए। रिहाइश के एक हिस्से में जो है वो इस्लाह मुरम्मत सफाई और कपड़े कीड़े मारने की अद्वियात का छिड़काव भी बहुत ज़रूरी है। वजारत बल्दियात ने हिदायत किया है कि इज्तिमाही रिहाइश पर इन शराइत की खिलाफ वर्जी जो करेगा उसको 940 पर रबता करके जो है वो कंप्लेंट दर्ज करवाई जा सकती है, फिर उनके खिलाफ एक्शन होगा। और इन तमाम शराइत को पे अमल करना बहुत ही ज़रूरी है अब गैर मुल्कियों के लिए। ये अब तक की लेटेस्ट अपडेट जो मैंने आपसे शेयर की, इस तरह की मज़ीद अपडेट आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलते रहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।